नमस्कार, मैं अनुष्का, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से 67वीं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन शुरू है। इसके लिए बीपीएससी की तरफ से 24 सितंबर 2021 को ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। उस नोटिफिकेशन में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करने से जुड़ी सभी जानकारियां दे दी गई थी, ताकि अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट्स को उसके हिसाब से तैयार रखे। यह आपको बता दें कि 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन मोड में ही आवेदन लिए जा रहे हैं, जो कि 30 सितंबर 2021 से ही शुरू है और आवेदन भरने की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2021 है। ऐसे में आपको इस 67वीं भर्ती परीक्षा से जुड़ी सारी जानकारी, आवेदन करने की योग्यता, जरूरी डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन फी और आवेदन करने की प्रोसेस, सभी के बारे में विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आयोग ने इस बार 555 पदों के लिए वैकेंसीज निकाली है। इस साल सबसे अधिक वैकेंसी ग्रामीण विकास पदाधिकारी के लिए निकाली गई है, जिसके तहत 133 पद हैं। उसके बाद नगर कार्यपालक पदाधिकारी के 110 पद हैं। वहीं बिहार प्रशासनिक सेवा के 88 पद खाली हैं। प्रखंड अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 52 पद, सहायक निदेशक योजना एवं विकास विभाग के 52 पद और राजस्व अधिकारी व उसके समकक्ष के 36 पद खाली हैं। इसके अलावा राज्य कर सहायक आयुक्त के 21 पद, अवर निर्वाचन पदाधिकारी के 4 पद, बिहार शिक्षा सेवा शिक्षा विभाग के 12 पद, नियोजन पदाधिकारी सह जिला नियोजन पदाधिकारी के 2 पद, श्रम अधीक्षक के 2 पद, जिला अंकेक्षक पदाधिकारी के 5 पद, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा के 12 पद, सहायक निदेशक बाल संरक्षण के 4 पद, आपूर्ति निरीक्षक के 4 पद और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के 18 पद खाली हैं, जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू है। बताते चले कि इन सभी पदों के लिए आवेदन करने की फी भी तय कर दी गई है। इसके तहत जनरल कैटेगरी के सभी पुरुष अभ्यर्थियों को 600 रुपए आवेदन शुल्क लगेंगे। बिहार के एससी एसटी वर्ग के अभ्यर्थी को 150 रुपए लगेंगे। दिव्यांग अभ्यर्थी को भी आवेदन करने के लिए 150 रुपए लगेंगे। साथ ही बिहार की सभी श्रेणी की महिला उम्मीदवारों के लिए भी 150 रुपए ही शुल्क लगेंगे। बाकी के दूसरे राज्य के सभी अभ्यर्थियों के लिए 600 रुपए ऑनलाइन आवेदन शुल्क लिए जाएंगे। आपको बता दें कि कैंडिडेट्स इस फी का भुगतान ऑनलाइन, नेट बैंकिंग और डेबिट या क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। अभ्यर्थियों की योग्यता की बात की जाए तो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख तक अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से स्नातक परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। वहीं 1 अगस्त 2021 तक विभिन्न पदों के अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 20 वर्ष, 21 वर्ष और 22 वर्ष निर्धारित की गई है। जनरल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट की अधिकतम आयु 37 वर्ष तय की गई है, जबकि जनरल कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी और बिहार के ओबीसी एवं ईबीसी वर्ग के सभी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 40 साल निर्धारित है। साथ ही आपको बता दें कि राज्य के एससी एसटी वर्ग के सभी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम उम्र सीमा 42 वर्ष है। अब बात करते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया के बारे में। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए योग्य उम्मीदवार बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाएं। अब होम पेज पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक पर क्लिक करें। अब एक नया टैब ओपन किया जाएगा। यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी करें। अब आप यूजर नेम और पासवर्ड प्राप्त कर लेंगे और इसका उपयोग करके लॉगिन करके आगे की आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर सकते हैं। आवेदन फॉर्म भरने के बाद इसे डाउनलोड कर ले और इसका प्रिंट आउट निकाल कर रख ले। उम्मीदवार डायरेक्ट लिंक onlinebpsc.bihar.gov.in के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। बताते चले कि प्रारंभिक परीक्षा 150 नंबरों के लिए होंगे, जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलेगा। यह परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होता है। इसे क्वालिफाई करने वाले मेंस के लिए चुने जाते हैं। इसके नंबर फाइनल रिजल्ट में नहीं जुड़ते हैं। फाइनल रिजल्ट मेंस और इंटरव्यू के रिजल्ट के आधार पर ही जारी होते हैं। अप्लाई करने की अंतिम तारीख 5 नवंबर 2021 है। उम्मीद है कि 67वीं प्रारंभिक परीक्षा दिसंबर महीने में लिए जा सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।